कड़वा 85। बानासुर अनिरुद्ध के पैरों को जल दूध दही से साफ करते हैं। बानमती विवाह के मंगल गीत गाती है, विवाह की रस्म पूर्ण करते हैं और अब पहला मंगल फेरा लेते हैं ओखा अनिरुद्ध। पहले मंगल फेरे में सुवर्ण का दान लेते हैं अनिरुद्ध। दूसरा फेरा लेते हैं ओखा अनिरुद्ध। दूसरे फेरे में गाय का दान लेते हैं अनिरुद्ध। तीसरा फेरा ओखा अनिरुद्ध लेते हैं। तीसरे फेरे में हाथी का दान लेते हैं अनिरुद्ध। चौथा मंगल फेरा ओखा अनिरुद्ध ले रहे हैं। चौथे फेरे में क्या दान देते हैं? चौथे फेरे में रत्न सहित भंडार का दान लेते हैं अनिरुद्ध। ओखा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। बानमती शगुन का मिष्ठान अनिरुद्ध को खिलाते हैं। ओखा बाई को सब सौभाग्यवती का शुभ आशीर्वाद दीजिए। बारातियों खुशी से नाच झूम उठे हैं। बधाइयाँ देते हैं ओखा अनिरुद्ध को शुभ विवाह की। कड़वा 86। बानमती अब महल में जाती है। रुक्ष्मणी जी के चरणों को कुमकुम से सजाती है और प्रणाम करती है। अब सब रसोई गृह में जाते हैं। बनाने हैं विविध पकवान। अगणित पकवान बन रहे हैं कि न पूछो बात। श्री कृष्ण और जादव कुल बात सुन रहे हैं बानासुर राय की। बानासुर ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। सब स्नान करके हुए हैं स्वच्छ। मंदिर गए, दर्शन किए, स्मरण किया श्री भगवान का। अब भोजन के लिए बैठे हैं जगत अधिपति। चांदी की बड़ी सी थाली में पिरसा जा रहा है पकवान। प्रेम सभर पिरसे जा रहे हैं पकवान और मिष्ठान। जादव कुल वर वधु बारातियों कर रहे हैं भोजन। लविंग सुपारी पान खाए हैं, पूर्ण हुआ भोजन। कड़वा 87। विवाह और रस्म पूर्ण हुई। अब कन्या के विदाई का समय आया है। प्यारे समधी रथ को घोड़े लगाओ। सभी बारातियों का जाने का प्रबंध कीजिए। जरूरदसी वस्त्र श्री कृष्ण को दीजिए। रुक्ष्मणी जी को सौभाग्यवती साड़ी दीजिए। सती सत्य भामा को श्रृंगार दीजिए। पटोड़ा दो रानी जाम्बुवती को। व्यवहार सब पूर्ण हुए, सब खुश हैं और प्रसन्न हैं। नववधु को लेकर अब श्री कृष्ण जाते हैं द्वारका। कड़वा 88। ओखाबाई अपने ससुराल जा रही है। सभी सहेलियों ओखा को लेकर आगे बढ़ रही हैं। ओखाबाई खड़ी रहती है और अपनी माता बानमती को गले लगती हैं। सुवर्ण की झांझर लाओ, सोना श्रृंगार लाओ, ओखाबाई को सजाओ। ओखाबाई कहती है, सखी चित्रलेखा तुम आगे आओ। लो ये सुवर्ण के झांझर, तुम्हारे में जितने भी गुण गाऊ वह सब कम है। कड़वा 89। ओखाबाई अब ससुराल जा रही है। सब विदाई के मंगल गीत गाते हैं। ओखाबाई के रथ के आगे श्रीफल लगाए हैं। ओखाबाई को लड्डू और पकवान दिए हैं। ओखाबाई को बानमती सलाह देती है। कड़वा 90। बानमती ओखाबाई को समझाती है, मेरी बात और सलाह को भूल मत जाना। ससुराल में समझदारी से रहना, न किसी मर्यादा को तोड़ना। ससुराल में चोरी से छुप के खाना मत खाना। अपने पति और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। ससुराल में अपने घूंघट और पल्लू को अच्छी तरह से रखना। बड़े आवाज से बात मत करना और बड़े आवाज से हंसना भी मत। कोई भी पराया पुरुष से बात मत करना। अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजना। कड़वा 91। श्री कृष्ण बानासुर को परास्त करके सुंदर कन्या को पुत्रवधु बनाकर आए हैं। श्री माधव जीत कर आए हैं। रानी श्री रुक्ष्मणी जी श्री कृष्ण का करते हैं स्वागत। श्री कल्याण राय जी जीत कर आए हैं। श्री गोत्रज देवी के दर्शन करने वर वधु जाते हैं और हाथों में बांधे मिंडन को अब छोड़ते हैं। कड़वा 92। अनिरुद्ध के पितामह को बुलाओ, मेंढड़ नहीं खुलता। अनिरुद्ध के पिता को बुलाओ, मेंढड़ नहीं खुलता।
रुक्ष्मणी माता को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, प्रद्युमन पिता को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, रतुमणि माता को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, ब्रह्मा जी ने मिंढड़ बांधा है, बड़भद्र ताऊ को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, काकी रेवती को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, शिव जी ने बांधी है गांठ वह कैसे खुलेगी, ओखाबाई के पिता बानासुर और माता बानमती को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, श्री शिव जी को बुलाओ माता पार्वती को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, भ्राता श्री गणेश और भौजी रिद्धि सिद्धि को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, तेरी सखी चित्रलेखा को बुलाओ मिंढड़ नहीं खुलता, ओखा मिंढड़ की गांठ खुलती है पर स्नेह की गांठ जो बांधी है वह कैसे छूटेगी। कड़वा 93 विवाह की सभी रीत रस्म परिपूर्ण होकर उठे हैं वरवधु, वरवधु को नया महल दिया है रहने के लिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ओखाबाई से, बेटी तुम पुत्रवधु हो हमारी, जो चाहे वो मांग लो मैं दूंगा तुम्हें तुरंत। हाथ जोड़कर ओखाबाई कहते हैं श्री भगवान से, मेरे माता पिता को एक पुत्र दे दो। ओखाबाई की विनंती से बानासुर और बानमती को पुत्र हुआ एक, जिसका नाम गयासुर। बानासुर का वंश आगे बढ़ाने वाला है गयासुर। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, आपने हमें कथा सुनाकर पावन किया, हमारे संदेह को तोड़ा है, ओखाहरण का महिमा सुनकर हम पावन और प्रसन्न हुए। गुरुदेव आपको पूजता हूँ, श्री गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेमानंद कहते हैं श्रोता वक्ता और भक्तजन से, प्रेम से बोलो प्यार से बोलो, जय जय श्री रणछोड़ जी, जय जय श्री रणछोड़ जी। इति श्री भगवते महापुराणे दशम स्कंदे श्री सुखदेव परिचित संवाद प्रेमानंद कृत ओखाहरण माता ओखा को समर्पयामि।